Oh. जानू बेबी, अरे सुनो तो, अरे वो मेरे ससुर जी की तीसरी गलती। देखो तुम ना ज्यादा मत बोलो, नहीं तो तुम्हारे दोनों घुटनों की कटोरियां निकाल दूंगी। अच्छा, अपने घर में कटोरियां कम पड़ गई क्या? क्या काम है ये बताओ। मेरे को एक बात बता, इस संसार में सबसे समझदार आदमी कौन है? सबसे समझदार तो मेरे पापा। हाँ, बस यही एक गलती हो गई उनसे। क्या कहा? ना ना, कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा मेरे को एक बात बता, तेरी नजर में दुनिया का सबसे खूबसूरत हैंडसम लड़का कौन है? सबसे सुंदर वो तो मेरा भाई, मेरा वीरा। हाँ, वो तेरा भाई, काला काला काली चरण, अमावस्या की काली रात, ब्लैक डायमंड, घर में आता है सफेद साबुन से नहाता है, साबुन काला कर देता है। हाँ तो काला है तो क्या हुआ, हीरा है मेरा भाई हीरा। और वैसे भी काले कान्हा की कितनी पटरानियां थी पता है? काले कान्हा की तो बहुत सारी पटरानियां थी, इसकी एक ना हो रही। वैसे भी तुम्हें मैं मिल गई और तुम्हारी शादी हो गई, नहीं तो बन जाते किसी बच्चे के कुंवारे बाप। क्यों, तेरा भाई बन गया किसी बच्चे का कुंवारा बाप? जुबान को लगाम दो और दफा हो जाओ यहाँ से। अच्छा अच्छा सुन, एक लास्ट क्वेश्चन। क्या? और तेरी नजर में सबसे सुखी, समृद्ध, खुशहाल इंसान कौन है? वो तो मेरे भावनगर वाले जीजा जी। अच्छा, और तेरी नजर में दुनिया का सबसे मूर्ख, गधा, उल्लू, पाजी, बेईमान, चमनचू आदमी? मेरा पति। दुश्मन को भी ना ऐसी सजा प्यार की मिले। अच्छा तुम्हें कौन सी सजा मिली है प्यार की? मेरी तुझसे शादी जो होगी। देखो ज्यादा मत बोलो, तुम्हें क्या पता शादी के पहले कितने लड़के मरते थे मेरी एक झलक देखने के लिए। बहुत से तो मैं जानता हूँ जो झलक देख के ही मर गए। तो अपनी जुबान पे ना काबू रखो, ज्यादा ही तकलीफ है ना तो चली जाऊंगी किस दिन छोड़ छाड़ के, फिर बजाते रहना ढोल मंजीरे। इतनी तकलीफ है ना, छोड़ो मुझे, सब खत्म करो, मुझे तलाक दो, दो मुझे तलाक। ऐसा तलाक दूं? तू तेरे बोरिया बिस्तर पेटी बांध, आज या तो आर या पार, मैं भी जा रहा हूँ वकील के पास, तू तेरा बोरिया बिस्तर पैक कर, मैं डिवोर्स के पेपर लेके आ रहा हूँ, उसमें साइन कर दियो। क्या हुआ, ले आए तलाक के कागज वकील के यहां से? नहीं। क्यों? वो वकील भी बर्तन ही मांज रहा था। अच्छा तो क्यों करते हो ऐसी झिकझिक? वैसे भी 4 साल हो गए, हर पैंतरा आजमा चुके हो, कभी जीत पाए हो मुझसे? नहीं। अच्छा तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हारी इज्जत करूं, तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना बनाया करूं और तुम्हारी हर बात मानू। अच्छा सपोज करो मैं ये सब करूं तो? मैं सपोज भी नहीं कर पा रहा हूं यार। अच्छा चलो ठीक है, मैं ना तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना के ला। नहीं नहीं रुक, चाय मत बना, मुझे एक बात बता, 4 साल हो गए ना शादी, सोच अगर तेरी शादी मुझसे ना होती तो फिर किससे होती? ऋतिक रोशन से। ऋतिक रोशन डायरेक्ट, ओ आधुनिक सूर्पनखा। अरे सुन ना, थोड़ी रेंज में आ जाए यार, ऋतिक रोशन है वो। अच्छा छोड़ो, तुम बताओ अगर तुम्हारी शादी मुझसे ना होती तो फिर किससे होती? तेरी नागपुर वाली बुआ की लड़की है ना? मैं पहले से ही जानती थी तुम्हारी नीयत, तुम्हारी आंख में ना सुअर का बाल है, शो करने जाते हो और लड़कियां ताड़ते हो, बदमाश ठरकी।
एजी। हाँ सुनो ना। बोल ना, मेरे कानपुर में हड़ताल थोड़ी है। मुझे एक रेड कलर की लिपस्टिक का सेट दिला दो ना। कितने की आएगी? बस 8,000 का। 8,000 रुपए की एक रेड लिपस्टिक? एक लिपस्टिक नहीं है, रेड चेरी वाइन रोज क्रिम्सन। एक मिनट, तुझे लिपस्टिक से तेरे होंठ लाल करने हैं या बजट से मेरा पिछवाड़ा? लिपस्टिक दिलाओगे? फिलहाल तो एक पैक विस्की का मन है। एक लिपस्टिक तो दिला नहीं सकते। वैसे भी बारिश जब भी होती है भार होती है और कीचड़ मेरे घर में फैलता है।